हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की फोर्थ यूनिट का लास्ट सेकंड चैप्टर, विच इज़ अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल्स। तो हम इसमें देखेंगे कि हम विद कंपास एंड स्केल कैसे एंगल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो पहले ये डेम मैं इसके बाद आपको डेमो पे दिखा दूंगी। ये आपका एग्जाम में आता है कि आप बच्चों को कैसे सिखाओगे कि एंगल्स कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो हमें विद एग्जाम्पल्स शो करना होता है या हमें खुद दिया होता है कि आपको कौन सा एंगल्स बनाना है। तो उसमें मस्ट है कि आप ये स्टेप्स ज़रूर लिखो। तो पहले ये 60 डिग्री का एंगल बनाया हुआ है, इसके स्टेप्स देख लेते हैं हम। पहले हम बनाएंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे हमने ए बी लाइन सेगमेंट बनाई। ड्रॉ अ सेमी सर्कल विथ कंपस फ्रॉम सेंटर ए। हम ए को ऐसा सेंटर लेंगे और कंपस से हम एक सेमी सर्कल बना लेंगे। फ्रॉम द ओपन कंपस विथ विच यू हैव ड्रॉ सेमी सर्कल, मार्क एन आर्क फ्रॉम सी पॉइंट। ये हम सी पॉइंट दे देंगे जो हमने सेमी सर्कल बनाया था, और यहाँ से हमने जितना कंपास ओपन करके सेमी सर्कल बनाया था उतना ही उसे ओपन रखेंगे, और इस पॉइंट से यहाँ पे एक आर्क को बना देंगे। तो वो एंगल हमारा होगा 60 डिग्री। देन फ्रॉम इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम ए टू डी पासिंग थ्रू आर्क्स। तो यहाँ पे ये यह जो आर्क थी और जो सेमी सर्कल के यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यहाँ से हम एक लाइन पास कर देंगे और उसे डी पॉइंट दे देंगे, और हमारा एंगल 60 डिग्री फिर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हम 120 डिग्री के एंगल के लिए, जब हम यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल के लिए आर्क मार्क कर देंगे अपने प्रीवियस स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो कि हमने 60 डिग्री में किया, देन हम लिखेंगे कि जितने हम कि जित जो कंपास ऑलरेडी ओपन है, द कंपास विच इज़ ऑलरेडी ओपन वी विल यूज दिस एज सेंटर विच वी हैव पुट एज 60 डिग्री, एंड देन वी विल पुट एन आर्क फ्रॉम हेयर ऑन द अदर साइड ऑफ द सेमी सर्कल, देन डैट विल बी 120 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा ऐसे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा। मतलब आप बस जैसे आप बना रहे हो वैसे स्टेप्स को लिखते जाना है। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास ये 30 डिग्री का एंगल। देन ये हमारा 45 डिग्री का एंगल, एंड लास्ट हमारे पास जनरली बनाने के लिए आ जाता है 75 डिग्री का एंगल। ओके, इसके बाद मैं अब आपको इनका डेमो दिखा देती हूँ कि हमने कैसे बनाए हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो हम स्केल से पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम उसको पॉइंट्स दे देंगे ए एंड बी। पॉइंट्स देने के बाद अब हम ए को एज अ सेंटर लेंगे, देन कंपास को थोड़ा सा ओपन करेंगे। अब ये ओपन होने के बाद हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद जितना हमारा ये कंपास ओपन है उतने से ही हम यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। आर्क लगाने के बाद ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। अब हम पेंसिल एंड स्केल से जहाँ पे इंटरसेक्ट करिए उसका बिल्कुल मिड पॉइंट देखेंगे। अगर हमारा हाफ भी अगर हल्का फुल्का हो जाता है तो उसे हम कंसिडर कर लेते हैं, दैट यस ये 60 डिग्री का एंगल माना जाएगा। बट मेक श्योर कि ये ज़्यादा ना आसपास हो, या तो एग्जैक्ट 60 डिग्री हो या सिर्फ आधा सेंटीमीटर ऑलमोस्ट ये इधर उधर हो सकता है। अब हम ये प्रोटेक्टर से मैचअप करें तो हम देख सकते हैं कि यस ये बिल्कुल एग्जैक्ट 60 डिग्री का एंगल आया है। नेक्स्ट हम बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल। तो लेट्स सी, ये हमने पहले एक लाइन सेगमेंट बनाई स्केल से, उसको हमने पॉइंट्स के नेम दे दिए ए एंड बी। नेम देने के बाद अगेन हम कंपास लेंगे, उसको थोड़ा सा ओपन अप करेंगे, देन एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर देंगे। सेमी सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जैसे हमने 60 डिग्री एंगल के लिए आर्क लगाई थी वैसे ही हम आर्क बना देंगे यहाँ पे, जितना ओपन है उतना ही। अब जितना हमने 60 डिग्री के लिए ओपन रखा उतना ही हम 120 डिग्री के लिए ओपन रख के एक आर्क बना देंगे। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा होगा हम वहाँ से ए को ऐसा सेंटर लेके एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो वो हमारा होगा एंगल 120 डिग्री। ये हमारा बन गया एंगल 120 डिग्री। नेक्स्ट हम बनाएंगे एंगल 90 डिग्री। आप कैसे ड्रॉ करोगे कंपास से, तो पहले हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली स्केल के साथ ए एंड बी, उसको पॉइंट दे दिया। उसके बाद अगेन हम कंपास
कंपास लेंगे, उसको थोड़ा सा ओपन अप करेंगे, फिर हम एक सेमी सर्कल बना देंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे एंड देन हम 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इन दोनों के बीच में हम एक ऊपर की साइड आर्क लगाएंगे, फिर 120 से उतना ही कंपास ओपन रख के एक और आर्क लगा देंगे। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से हम एक और सेंटर लेके लाइन पास करा देंगे एंड अभी हमारा एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब हम इसे एक बार प्रोटेक्टर से मेजर अप कर लेते हैं। सो एज़ वी कैन सी कि हाँ, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। एंड ऊपर वाला भी देख लेते हैं तो ये हमारा 120 डिग्री का एंगल बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब नेक्स्ट हम बनाएंगे एंगल 30 डिग्री। सो लेट्स सी, पहले हमने लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, एक वायर सेंटर लिया। अब हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, देन जितना खोला हुआ है उतने से हम 60 डिग्री को मार्क करेंगे। उसके बाद हम जितना 60 डिग्री है उससे थोड़ा सा कंपास को कम कर देंगे, मतलब हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। देन हम 60 डिग्री एंगल से एक आर्क लगाएंगे। अब जहाँ पे ये कट हो रही होगी वो हमारा होगा 30 डिग्री का एंगल, बिकॉज 60 का हाफ 30 डिग्री होता है। सो मेक श्योर जब भी आप ऐसे एंगल्स बनाते हो, अगर वो जिसका भी हाफ है उसके अकॉर्डिंग उन एंगल्स के बीच में हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन अप करके आर्क्स लगाओगे ताकि आपका एंगल बन जाए। तो ये हमारा 30 डिग्री का एंगल रेडी हो गया। नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल। सो लेट्स सी, पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बना दी ए बी, उसके बाद अब हम यहाँ पे एक सेमी सर्कल बनाएंगे। ये मैंने सेमी सर्कल थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा ले लिया, आप थोड़ा कम ही लेना। हमने 60 डिग्री बनाया, देन 120, अब हम यहाँ पे 90 डिग्री मार्कअप करेंगे, बिकॉज 90 डिग्री का हाफ होता है 45 डिग्री। तो इसलिए हमें मेक श्योर करना है कि हम पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, और 90 डिग्री एंगल हमें पूरा नहीं चाहिए इसलिए हम इसको डॉटेड दिखाएंगे। अब हम सेमी सर्कल में से जो हमने बनाया था उसके हाफ से ज़्यादा खोलेंगे एंड अब हम आर्क बना देंगे। उसके बाद हम इधर 90 डिग्री वाले से आर्क बनाएंगे। फिर अब जहाँ पे ये हमारी आर्क इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो हमारा होगा एंगल 45 डिग्री, तो वहाँ पे हम एक वायर सेंटर लेके लाइन पास अप करा देंगे। तो ये हमारा बन गया एंगल 45 डिग्री। अब एक बार लास्ट देख लेते हैं 75 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा। सो पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बना दी ए बी, उसके बाद हम अब एक सेमी सर्कल बनाएंगे। 75 डिग्री होगा 90 एंड 60 के बीच में आएगा वो। सो पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, देन 120, देन ये हमने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब हम 90 डिग्री एंगल के लिए डॉटेड लाइंस बना देते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे ये 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा ओपन अप करेंगे कंपास को। फिर हमने 60 डिग्री वाली साइड से आर्क लगाई, देन 90 डिग्री वाली साइड से हम आर्क लगा देंगे। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वो हमारा होगा 75 डिग्री, एक वायर सेंटर लेते हुए हम इसको पास अप करा देंगे। तो ये हमारा बन गया 75 डिग्री। सो होप सो, अब हम यहाँ पे फिर अब मेजर अप कर लेते हैं। ये हमारा 30 डिग्री का एंगल बिल्कुल परफेक्ट आया है, सॉरी 45 डिग्री का एंगल अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया। नेक्स्ट है हमारा 75 डिग्री का एंगल। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा 75 डिग्री का एंगल। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। बाय।